खबरें अब विस्तार से। देश भर में खासकर दिल्ली में स्वच्छता अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ एक ऐसा इलाका है जो चारों तरफ से गंदगी से घिरा हुआ है। संसद भवन से महज 70 किलोमीटर दूर संगम बिहार, जहाँ रहना तो दूर कदम रखना भी मुश्किल है। जनतंत्र टीवी की टीम ने संगम बिहार में साफ सफाई का जायजा लिया। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली के माथे पर गंदगी के दाग का जिम्मेदार कौन? नाम संगम बिहार, हालात नर्क से भी गए गुजरे। भीषण गंदगी में रहने को मजबूर संगम बिहार के लोग। जिस दिल्ली से देश भर में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत पूरे धूम धड़ाके और लाव लश्कर के साथ मोदी की अगुवाई में की गई, उसी दिल्ली का एक इलाका ऐसा भी है जिसके हालात किसी पिछड़े गांव की गलियों जैसे हैं, जहां पर बजबजाता सीवर नुमाइंदों के नकारेपन की कहानी रातों रात कहता रहता है। घरों के बाहर खुली नालियों और गंदगी की वजह से मच्छरों की फौज और जगह जगह भिनभिनाती मक्खियों के बीच मजाल है कि आप उल्टी ना कर दें। लेकिन ऐसे ही नरकीय हालात को संगम बिहार के रतिया मार के लोगों ने अपना मुकद्दर मान लिया है। इस इलाके की रहनुमाई का जिम्मा बीजेपी के लोकसभा सांसद रमेश विधोड़ी और आपके विधायक दिनेश मोहानिया पर है, लेकिन सेंट्रलाइज एसी कमरे में सत्ता के सिंहासन पर बैठे सत्ताधीशों को ना तो सीवर की बदबू परेशान करती है और ना ही इस नरक से उठती लोगों की दिक्कतों की चीखें उनकी आराम गाह तक पहुँच पाती है। यही वजह है कि सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन संगम बिहार के मुकद्दर में सुविधाओं की रेखा कभी पनप ही नहीं पाती। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, ये संगम बिहार है, साउथ दिल्ली में पड़ता है और सबसे एशिया की सबसे बड़ी अनअधिकृत कॉलोनी है। यहाँ पर हर धर्म के लोग यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोग भी हैं, एससी एसटी भी हैं और कुछ आपको मिल जाएंगे यहाँ पर ब्राह्मण, यानी कि हर आपको धर्म के लोग यहाँ पर मिल जाएंगे, हर कैटेगरी के लोग मिल जाएंगे। लेकिन जो समस्या यहाँ के हालात अगर आप देखेंगे तो हर योजनाओं का पलीता कैसे लग रहा है, चाहे वो स्वच्छ अभियान हो, चाहे लोगों को अच्छी तरीके से रहने की सुविधा तो यहाँ पर दी नहीं जा रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं नालियाँ जो हैं वो पूरी तरीके से ओवरफ्लो हैं, लोग चल नहीं सकते हैं। बारिश हो चाहे बेमौसम बारिश हो, यहाँ पर लोग एक सेकंड भी चल नहीं सकते, बच्चे गिरते रहते हैं, लोगों की जान कभी भी चली जाती है, पीने का पानी तो नसीब ही नहीं होता है। यहाँ पर माफिया गैंग अलग है पीने के पानी वाला, तो कुल मिलाकर यहाँ पर दबंगई बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन यहाँ पर इतने सालों से रहते हुए लोग भी आज भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान हैं और उसका उदाहरण है संगम बिहार। संगम बिहार पर मैं इसलिए ज़्यादा जोर दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं और अगर यही वोटर्स आपको वोट देते हैं और आप उनकी समस्याओं को नहीं समझते हैं तो अगर वो वोटर्स आपको वोट ना दें तो क्या समझिएगा। दिल्ली सरकार ने एक जमाने में दिल्ली के लोगों को अच्छी सेहत और सरल इलाज के लिए मोहल्ला क्लिनिक शुरू की थी। लोगों के घरों के पास ही जरूरत पड़ने पर उन्हें प्राथमिक इलाज मिल सके, इसका शानदार जरिया था मोहल्ला क्लिनिक। लेकिन संगम बिहार के कई मोहल्ला क्लिनिक के आसपास गंदगी की खाई इस कदर खुद गई है कि उसे पार करके क्लिनिक तक पहुँचा ही नहीं जा सकता, लिहाजा इन क्लिनिक से ही लोगों ने मुँह मोड़ लिया है। सत्ता से बेदखल हो चुके बीजेपी के विजय जॉली इस समस्या का ठीकरा दिल्ली सरकार के सिर फोड़ रहे हैं। मोदी जी ने देश के अंदर स्वयं झाड़ू लेकर देश के अंदर स्वच्छता अभियान की शुरुआत करी, एक अच्छी शुरुआत करी। वो इसलिए करी, मेरे घर का कूड़ा, मेरे पड़ोसी का कूड़ा, मेरे पड़ोसी के पड़ोसी का कूड़ा उठना चाहिए और वो कौन उठाएगा, मुझे स्वयं उठाना पड़ेगा, मुझे अपना घर भी साफ करना पड़ेगा और मेरे पड़ोसी के घर का आंगन भी साफ रखवाना पड़ेगा। उसके लिए शिक्षा के आधार पर, स्वच्छता के आधार पर और शुचिता के आधार के ऊपर इस सरकार को, इस मशीनरी को, नगर निगम को और अधिकारियों को, आईएएस ऑफिसर्स जब तक अपने एसी के कमरों से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी कि अगर किसी जगह का, अगर किसी गली में कूड़ा मिल गया तो वहाँ का अधिकारी सस्पेंड होगा, क्योंकि वो अधिकारी इसलिए वहाँ पर तैनात है कि उसको उस क्षेत्र का सफाई।
महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर शुरू किए गए मिशन स्वच्छ भारत को आगे बढ़ाने के लिए पिछले शनिवार को बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने झाड़ू थाम ली थी। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने संसद परिसर में झाड़ू लगाकर फोटो खिंचवाई थी। उम्मीद की गई है कि अपने नुमाइंदों की इस पहल से लोग जुड़ेंगे और देश साफ सुथरा हो सकेगा। लेकिन इसी संसद से महज 17 किलोमीटर दूर संगम विहार मिशन स्वच्छ भारत की असलियत का असल आईना है, जो इन ODF और स्वच्छ भारत के कदम को ठेंगा दिखा रहा है। संगम विहार से दीपाली शुक्ला, जनता टीवी।